अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को गुजर हुई बहुत बहुत ईद मुबारक। चलें आज हम आपको दिखाते हैं गांव। आज मैं अपने विलेज आई हुई हूँ। गर्मी आज थोड़ी कम थी तो मैंने कहा चले मैं सैर कर रहा हूँ थोड़ी सी गांव की जाके। आप लोग उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलें देखें, मैं अपना मुरब्बा आपको दिखाती हूँ। ये हमारी बहन से खड़ी हैं। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये देखें, ये भैंसों का मतलब खाना पीना है यहाँ रखा हुआ है, सारा कुछ खादे वगैरह। ये रूम बना हुआ है एक, ये भी रूम है। यहाँ रात टाइम भैंसों को अंदर कर दिया जाता है। यहाँ से भैंसें पानी पीती हैं। कि हमने छोटा सा तालाब बनाया हुआ है भैंसों के लिए। ये हमारी मशीन है जहाँ से चारा काटा जाता है इसके अंदर। बिल्कुल पकी हुई गंदम। चलिए अब हम बाइक की तरफ आ गए हैं अपने खेतों में। आपको दिखाती हूँ खेत। और मुझे तो वाकई में बहुत मज़ा आ रहा है। आज थोड़ा मौसम भी अच्छा था और शाम का टाइम है, मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मैंने सोचा अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स को भी अपना गांव दिखा दूँ, वो भी इंजॉय कर लें। चले हम चल रहे हैं आगे। ये देखिए कितना प्यारा सीन है। ये हमारे पास इधर ट्यूबवेल भी लगा हुआ है और हमारी अच्छी खासी ज़मीनें भी हैं देखें, और अच्छा खासा सब्जा हुआ पड़ा है क्योंकि बारिश आई थी कल। इस तरफ हमारे फ्रूट्स के बाग हैं। अभी तो फ्रूट्स लगे नहीं हैं, बस जब लगते हैं तो खाने का बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। जो ये फ्रेश फ्रूट्स खाने का मज़ा आता है वो बाहर के बिल्कुल नहीं आता। ये देखें, ये भी ट्यूबवेल है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा मेरे साथ मेरे गांव की सैर करते हुए। मुझे तो बहुत आ रहा है। इधर डॉगी बैठा हुआ था, यकीन माने मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि अभी जैसे पीछे ही लग जाएगा मेरे। एक नहीं ज़्यादा। मैं आपको पूरी सैर करवा रही हूँ अपने मुरब्बे की एंड गांव की। ये देखिए हमने पौधे और भी लगाए हैं यहाँ फ्रूट्स के, लेकिन अभी छोटे हैं। जब बड़े हो जाएंगे मैं आपको तब भी दिखाऊंगी। तब तक आप मेरी वीडियोस का लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करते रहें। ये देखें कितना प्यारा सीन है यहाँ पे। ये देखें ये नलके हैं, लोग यहाँ पानी भरने आते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सामने बच्चा पानी भरने आया हुआ है। यकीन माने इतना मज़ा आ रहा है। शाम का टाइम है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को भी मेरा गांव अच्छा लगा है, नहीं अच्छा लगा, कैसा लगा है। प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया करें वीडियो के नीचे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कैसी वीडियो पसंद है, मैं वो वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊं। तो ये देखें, ये आम लगे हुए हैं, कच्ची अम्बी जिसे कहते हैं, माई फेवरेट। बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। मैं तो इधर से बहुत सारी तोड़ के खाती हूँ। जब ये पक जाएंगे तो और भी मज़ा आएगा खाने में। तोड़ के खाने की चीज़ का अपना ही मज़ा होता है। ये हम आपको ज़मीनें दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है।
अब कपास का मौसम है, कपास लग रही है। ये देखें आम, यहाँ से जो सो यमी सो यमी, ये उन्होंने इस बेचारे पेड़ पे लगा दिया। गर्मियों में तो आम वैसे ही बहुत खाए जाते हैं, अभी ये पक जाए तो और भी मज़े के होंगे। ये भैंसों का चारा लगा हुआ है, लाइक जिसे पंजाबी में पट्ठे कहते हैं, ये मेरे ख्याल से सूख जाएगा। वो लगा हुआ है, यहाँ से काट के लेके जाया जाता है भैंसों के लिए। ये देखिए यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। आप भी अपने गांव की वीडियो मुझे भेजिएगा, देखूं मैं भी आपका। हमारा गांव तो ऐसा है, आप लोगों का कैसा है आप लोग भी दिखाइएगा मुझे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और आगे अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को भी चैनल मेरा दिया करें, लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें ज़रूर। चलें आप लोग को आज मैंने अपने गांव की सैर करवाई है, चलें अब मैं वापस चलती हूँ, मैंने वापस अपने घर जाना है, टाइम काफ़ी हो गया है। चलें आप लोग मेरी वीडियो को लाइक एंड ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।